नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि उत्तरमाला प्रकरण पर योगी सरकार की हार हो गई है। शिक्षक भर्ती परीक्षा जिसमें स्लिप सी यानी 11462020 उत्तर प्रदेश सरकार बनाम राधा देवी, दीर्घ संधि प्रश्न पर अभ्यर्थियों की हुई है जीत, तो राज्य सरकार की अपील सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई है। तो अब अभ्यर्थियों की उम्मीद 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर की प्रकरण पर भी जाग चुकी है, जिसमें तो ये PDF है जिसमें अभ्यर्थियों की ओर से दायर किया गया था आंसर की प्रकरण पर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को झटका दे दिया है। PNP विभाग जो कि आंसर की जारी किया था और उसके आंसर की को गलत साबित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुना दिया है। ये है पूरी लिस्ट जिसमें सरकार की और PNP विभाग की हार हुई है, जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती में भी यही कदम उठाया है कि यहाँ पे भी आंसर की गलत देने के बाद उसको बैक यानी कि सही आंसर की जारी भी नहीं किए और परिणाम भी जारी कर दिए हैं परीक्षा का। आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में भी शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों वाला क्वेश्चन, जिसमें NN मुखर्जी वाला क्वेश्चन विवादित है, दूसरा क्वेश्चन जो विवादित है वो है नाथपंथ संप्रदाय वाला, और तीसरा जो है कौन सा सामाजिक प्रेरक है, और चौथा संविधान वाला। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट तक तो मैटर गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर के याचिका को निरस्त कर दिया था कि आप जहां पर ये अभी मैटर है वहां से सुलझा लीजिए, और यहां पर अभी मैटर चल रहा है यानी कि उत्तर प्रदेश में, अगर उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा फैसला पक्ष में नहीं आता अभ्यर्थियों के, तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन। अक्सर कई विभाग हैं, लोक सेवा आयोग है, जो कि क्वेश्चन आया आंसर गलत जारी करने के बाद सुधार कर देते हैं, लेकिन PNP एक ऐसा विभाग है जो कि बैक कदम नहीं पीछे करता है, और यहाँ पर यही कारण था कि अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा जहाँ पर उनकी जीत हुई है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में जो अभ्यर्थी 1-2 नंबर से भी रुके हुए हैं उनके लिए उम्मीद की किरण है। वहीं दुनिया भर में घटा है कार का उत्पादन, लेकिन भारत ने लगाई है लंबी छलांग। वर्ष 2014 के बाद दुनिया भर में जहां कार उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई, वहीं भारत ने लंबी छलांग लगाई है। अक्सर क्वेश्चन पूछा भी जाता है, UGC नेट में भी आया क्वेश्चन कि कार उत्पादन में कौन प्रथम पे है, तो ये अपडेट न्यूज यानी कि करंट से है, जिसमें भारत में कार उत्पादन के मामले में 14.6% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि अमेरिका के घरेलू उत्पादन में अप्रत्याशित 40% गिरावट। जर्मनी कार निर्माता फॉक्स वैगन का चीनी बाजार में है दबदबा। और आपको बता दें यहाँ पे कि एशिया में 1999, यूरोप 2009 और रूस 2019, तो पहले जापान, फिर अमेरिका 1999 में था, फिर जर्मनी था, फ्रांस था, दक्षिणी कोरिया था, स्पेन, ब्रिटेन, कनाडा, इटली, ब्राज़ील थे। 2009 में चीन पहले पे था, फिर जापान दूसरे पे था, जर्मनी तीसरे पे था 1999 में भी, और जर्मनी 2009 में भी, और जर्मनी 2019 में भी तीसरे स्थान पर बना हुआ है, जबकि 2019 में इस समय चीन पहले पे है, और 2009 में भी चीन पहले पे था, जबकि 1999 में जापान था, लेकिन अब जापान दूसरे पे है, जर्मनी 2019 में तीसरे पे है, भारत 2019 में चौथे पे है। वहीं दक्षिण कोरिया 5वें पे है, अमेरिका 6ठे पे है, ब्राज़ील है, फिर स्पेन है, फिर फ्रांस है, फिर रूस है। और भारत का कार उत्पादन में जहाँ बढ़ोतरी दर्ज की गई है वृद्धि, जहाँ पर ग्रीन वाला वृद्धि, लाल वाला कमी, चीन में भी वृद्धि है, भारत का जो वृद्धि दर है वो 14.6% है, लेकिन चीन की जो वृद्धि दर है वो 7.2% है, जापान की जो वृद्धि दर है 0.6%, जबकि जर्मनी में गिरावट है 16% की, दक्षिण कोरिया में गिरावट है 12% की, यानी सब माइनस में चल रहे हैं, और अमेरिका में सबसे ज़्यादा 40% की गिरावट है, जबकि ब्राज़ील में जो गिरावट में भी है, नहीं गिरावट में है, 2.2% में है। तो ये है कार की स्थिति।